वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसेटेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसेटेक में। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चैनल एसेटेक मध्ये। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले 64 बिट और 32 बिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप के बारे में सुनते हैं तो उसमें 32 बिट और 64 बिट के बारे में जब हम सुनते हैं तो काफ़ी लोगों को ये 32 बिट और 64 बिट क्या है इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको 32 बिट और 64 बिट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। मेरा नाम है सतीश। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हाँ, आपके कमेंट ज़रूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको वो सारे प्रोसेसर्स बताऊंगा जो 32 बिट को सपोर्ट करते हैं और 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। तो पहला प्रोसेसर है इंटेल कोर सोलो, ये 32 बिट को सपोर्ट करता है। जी हाँ, इंटेल कोर सोलो ये 32 बिट को सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है इंटेल कोर डियो, ये 32 बिट को सपोर्ट करता है। इंटेल कोर डियो ये 32 बिट को सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है इंटेल कोर 2 डियो ये 64 बिट को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद आता है ड्यूल कोर, क्वाड कोर, i3, i5, i7 ये सभी 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, तो आपको मैंने ये प्रोसेसर्स के बारे में जानकारी दे दी है जो 32 बिट को सपोर्ट करते हैं और 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। अब हम जानेंगे ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अब 32 बिट में ये रैम सपोर्ट, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपके सिस्टम में जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो 32 जो बिट है ये इसमें सिर्फ 4 GB तक के ही रैम को सपोर्ट करता है। जी हाँ, आपके सिस्टम में यदि 4 GB या 4 GB से कम का रैम है तो इसमें 32 बिट काफ़ी स्मूथली चलेगा और जो सॉफ्टवेयर 32 बिट को सपोर्ट करते हैं वो आप इसमें काफ़ी स्मूथली इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि आप उसमें 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्मूथली नहीं चलेगा, ये आपके किसी काम का नहीं है, वो हैंग होते रहेगा और काफ़ी स्लो चलेगा। जो 64 बिट है ये 4 GB से ऊपर यानी अनलिमिटेड रैम सपोर्ट है इसमें, 8 GB, 16 GB, 32 GB और इसमें अनलिमिटेड रैम सपोर्ट है। जिस सिस्टम में 4 GB से ज़्यादा का रैम है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, तो उसमें आप यदि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या जो सॉफ्टवेयर है जो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं, ये काफ़ी स्मूथली चलेंगे और उनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी। अभी जो प्रोसेसर्स मैंने आपको बताए थे जैसे कि इंटेल कोर सोलो ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, फिर इंटेल कोर डियो ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसमें जो है 4 GB का रैम है, 4 GB और 4 GB से कम का रैम है। इसमें आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जो 32 बिट को सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी स्मूथली चलेगा। और प्रोसेसर जैसे ड्यूल कोर हो गया, इंटेल कोर 2 डियो, i3, i5, i7, इसमें आप 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी स्मूथली चलेगा। और अभी जो लेटेस्ट में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, लेटेस्ट में फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, फिर एडोब प्रीमियर है और हाई एंड गेमिंग से, ये सब 64 बिट के सॉफ्टवेयर से ये सपोर्ट करते 64 बिट सिस्टम को और काफ़ी स्मूथली चलते हैं 64 बिट सिस्टम में। तो 64 बिट के सिस्टम में अनलिमिटेड रैम सपोर्ट है, रैंडम एक्सेस। यदि आपके सिस्टम में 4 GB से ऊपर के रैम है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, तो इसमें आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 64 बिट के आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, लेटेस्ट गेमिंग जो आ रहे हैं, लेटेस्ट गेम आ रहे हैं, तो काफ़ी स्मूथली आप इस पर चला सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे हम 64 बिट और 32 बिट को, तो फ्यूचर अभी जो है 64 बिट के ही सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर है 64 बिट को ही सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर आ रहे हैं और 64 बिट का ही सिस्टम
काफ़ी लोग ले रहे हैं। पुराने सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 32 बिट पे चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर 64 बिट का है। सभी सॉफ्टवेयर जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं वो 64 बिट के ही है, 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं और काफ़ी स्मूथली चलते हैं उस पर। यदि आपका 32 बिट का सिस्टम होगा तो वो उस पर नहीं चलेंगे। 64 बिट पे आप 32 बिट के जो सॉफ्टवेयर है वो आप चला सकते हैं, लेकिन 32 बिट पे आप 64 बिट के सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप 32 बिट के सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, लेकिन 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप 64 बिट के सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। तो अभी जो लेटेस्ट में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सभी 64 बिट को सपोर्ट करते हैं, और यदि आप अपग्रेड करते हैं अपने सिस्टम को तो बहुत अच्छा है। यदि आप पुराना सिस्टम चला रहे हैं तो अपग्रेड कर लीजिए फ्यूचर में। अभी से ही सारे सॉफ्टवेयर जो है 64 बिट के ही आ रहे हैं और 64 बिट को ही सपोर्ट कर रहे हैं और वो काफ़ी स्मूथली चलते हैं। तो दोस्तों 64 बिट ये काफ़ी स्मूथली चलता है एज़ कम्पेयर टू 32 बिट। तो ये सारी जानकारी थी 64 बिट और 32 बिट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है, आपको ये जो 64 बिट है और 32 बिट क्या है ये पूरा क्लियर हो गया होगा, या आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये 64 बिट और 32 बिट क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कमेंट जरूर टाइप कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।